तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिंगल जीमेल एप्लीकेशन में यहाँ पे मल्टीपल जीमेल अकाउंट कैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कैसे उनके मैसेजेस आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट मेल्स आप चेक कर सकते हो। एक ही सिंगल एप्लीकेशन पर आप मल्टीपल यहाँ पे जीमेल अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। कैसे करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू। आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी मोबाइल फोन स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सेम जीमेल अकाउंट में यहां पे बहुत सारी मेल को कैसे ऐड कर सकते हो। नहीं कह सकते हो कि आपके पास जीमेल एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में आप केवल केवल एक मेल को आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो, आप मल्टीपल मेल को एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हो। तो सिंपल वे में कैसे ऐड करना है आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या, फ्रेंड, मेल को आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा क्या फ्रेंड, थ्री लाइन का। थ्री लाइन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना। जैसे आप इस पर टैप कर दोगे फ्रेंड, तो यहां पे अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहां आपको ऑप्शन आने वाले क्या सेटिंग। सिंपली आपको सेटिंग पर चले जाना है और यहां पे लिखा हुआ क्या ऐड अकाउंट है, देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहां पे लिखा हुआ क्या, मेरी एक मेल आईडी ऑलरेडी दी गई है यहां पे ऊपर की ओर। यानी कह सकते हो कि एक मेल आईडी से ये मेरा जो जीमेल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से ओपन है और इसी के मैसेजेस वगैरह मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ अपना दूसरा मेल यहाँ पे ऐड करने के लिए, हो सकता है कि उस पर भी कोई ज़रूरी मेल मेरे पास आने वाला हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐड अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा आपका अकाउंट है। तो भाई कौन सा अकाउंट है, होगा आपका गूगल ही होगा, सीधी बात है। अगर gmail.com है लास्ट में तो आपका गूगल ही होगा। अगर आपका याहू वाला है फ्रेंड, तो याहू वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी हॉटमेल या लाइव वाला कोई अदर आपका जीमेल अकाउंट है, कुछ भी है आपका कोई और दूसरा मतलब मेल है, तो आप इस तरीके से यहां पे सेट कर सकते हो। फिलहाल तो हमारा क्या है, गूगल है, तो सिंपली हम इस पर टैप कर देंगे। और जैसे हम यहां पर टैप कर देंगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप अपना पासवर्ड जो है यहां डाल देंगे, स्क्रीन पासवर्ड जो है हमारा। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी मेल यहां पर मतलब जो है ऐड करना चाहोगे, तो आपको सिंपली वो मेल लिख देनी है फ्रेंड यहां पर। जैसे आप मेल लिखोगे, मेल आपको लिख देनी, चलिए मैं आपको मेल लिखकर दिखाता हूं। आप जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पर सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे। अब तो फ्रेंड अब हमसे पासवर्ड पूछ रहे हैं, हम पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या भाई आप ही हो, यस भाई हम ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गेट अ वेरिफिकेशन कोड एड ही पूछ रहा है, आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, क्योंकि मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखता हूँ फ्रेंड। तो एक हमारे पास एक OTP आएगा, उसको हम थोड़ा सा ऑटोमेटिक ले लिया है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है आपके जीमेल एप्लीकेशन में। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो सर्विस है वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड प्रोसेसिंग ले रही है, चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि अब मेरी दो मेल यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, पहले सिर्फ ये ऊपर वाली थी फ्रेंड, लेकिन अब मेरी ये वाली नीचे वाली भी हो चुकी है। अगर मुझे अब नीचे वाले जो मेल है उसके अगर मुझे अपनी मेल्स देखने हैं, तो सिंपली मैं उस पर टैप कर दूंगा मैं तो चलिए मैं उस पर टैप कर दूंगा सॉरी उसी पर टैप कर दूंगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं फ्रेंड। बैक आने के बाद सिंपली में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे अब हम टैप कर देंगे अपनी प्रोफाइल पर। तो टैप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली मेल जो हमने ऐड की है अभी रिसेंटली, तो सिंपली उस पर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली हम इस पर अब टैप कर देंगे। जैसे हम इस पर टैप कर देंगे फ्रेंड, तो आप देख पा रहे हैं कि अब उस मेल के रिगार्डिंग जितनी भी मेल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप मेल चेक कर सकते हो अपनी दूसरी मेल आईडी को ऐड करके बहुत आसान तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।